أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم दोस्तों आज हम बनाएंगे कस्टर्ड शरबत रेसिपी। बहुत मज़ेदार होगी, रेसिपी एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मेरे पास ये 1.5 किलो दूध है, ये फुल क्रीमी दूध है। इसको मैंने पकने के लिए 10 मिनट हो गए, इसको मैं पका रही हूँ। काफ़ी गाढ़ा हो गया ये, आप देख सकते हैं। जितना दूध गाढ़ा होगा उतना ही ये मज़े का शरबत बनेगा। ये पक रहा है, अब हम इसमें ये अच्छे तरीके से पक गया कस्टर्ड डालते हैं। 2 चम्मच कस्टर्ड ले लिया मैंने, अब इसके अंदर दूध डालती हूँ। दूध ठंडा होना चाहिए, इसको मिक्स करके अंदर डालते हैं। ये 6 चम्मच शुगर है, ये डाल रही हूँ। आप अपने जायके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम ये डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर और इसको हिलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखो कस्टर्ड, इसलिए मैंने कम डाला है क्योंकि हम कस्टर्ड नहीं बना रहे, कस्टर्ड शरबत बना रहे हैं। तो आपने इतना ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो गाढ़ा हो जाएगा। मैंने कम डाला है, ये देखें ऐसे ही रखना है और इसे 10 मिनट पकाना है हल्का हल्की आंच पे। ये पकता रहेगा और चम्मच हिलाते रहेंगे। मैं पिस्ते का पाउडर बनाया, 1 चम्मच ये डाल दूँगी। बादाम पाउडर 1 चम्मच ये डाल दूँगी। थोड़ा सा अखरोट पाउडर है ये डाल दूँगी और चुटकी 1 इलायची पाउडर डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम जेली बनाएंगे। जेली बनाने के लिए जेली पाउडर हम पानी में डाल देंगे, इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जेली हम निकाल लेते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, बाद में इसको फ्रिज में रख देंगे। 1 कप पानी मैंने ऊपर रख लिया है और ग्रीन कलर की जेली बनाने लगी हूँ, ये भी उसी तरीके से बनाएंगे। पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर जेली डाल देते हैं, इसको हिलाते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। 1 चम्मच तुख मलंगा है ये डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारी जेली भी ठंडी हो जाएगी, हमारा तुख मलंगा भी फूल जाएगा, कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा, फिर हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जेली की हमने क्यूब्स में कटिंग कर ली है और अब हम एक बाउल में कस्टर्ड डालते हैं। बर्फ डालते हैं, तुख मलंगा डाल देते हैं जो हमने भिगो के रखा था। अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं, जेली डाल देते हैं अंदर, रेड वाली भी ऐसी इसी तरह डाल देंगे। कटिंग करके रखे हुए हैं, क्यूब्स बनाए हुए हैं मैंने, ये भी डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी बर्फ डाल दी है मैंने, अभी ये शरबत डालते हैं। माशाल्लाह ये रेडी हो गया, बहुत मज़े का।